वंदे देव उमापतिशुरगुरुं वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नगभूषणं ससिधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूलिशशाङ्कवाग्निनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनासवरदं वंदे शिवं शंकरं। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रोयोगी में आपका स्वागत है। मैं आचार्य एसएस जोशी। तो दर्शकों, एस्ट्रोयोगी की इस खास सीरीज मासिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जनवरी महीने के मासिक राशिफल की। जनवरी महीना हमारा जो होता है साल का पहला महीना है, तो सभी दर्शकों को एस्ट्रोयोगी की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके लिए जो यह नया वर्ष है मंगलमय और शुभ कामनाओं सहित बना रहे, ऐसी प्रार्थना में भगवान से करता हूँ। दर्शकों, मासिक राशिफल की आगे बात करेंगे ही, इससे पहले आप सभी लोगों से एक खास अपील, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करने का प्रयास भी करें, तथा आगामी आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच पाए हमारे बेल आइकन के बटन को पुश करना ना भूलें। दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिष आकलन के अनुसार बनाया गया है। महीने की शुरुआत कन्या लग्न और तुला राशि में हो रही है। इस ग्रह की स्थिति के अनुसार आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपका फाइनेंस और आपका बिजनेस किस प्रकार प्रभावित रहने वाला है, इस वीडियो में जानकारी देंगे। और यह जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मिथुन राशि, सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ जनवरी के महीने में आपकी काफ़ी अच्छी मैं देख रहा हूँ। हाँ, खासकर उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है जो पेट से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं या जूझ रहे हैं, तो उन लोगों को खान पान का विशेष ध्यान रखा होगा। अगर वो ध्यान रखेंगे तो पेट संबंधित प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। जो लोग कहीं ना कहीं अपना वेट पुट ऑन होता देख रहे हैं कि वेट बढ़ रहा है और लापरवाही कर रहे हैं, तो उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ना हो बट फ्यूचर में आपका वेट बढ़ना जो है आपके लिए पीड़ादायक रह सकता है। आगे बात करते हैं लव लाइफ और पर्सनल लाइफ की। लव लाइफ वालों के लिए जनवरी का महीना बहुत ही अनुकूल है। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। चाहे बहुत लोग पहले से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि वो अपने रिश्ते की एक नया रिश्ता, नया नाम या नई शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग कहीं ना कहीं अकेले महसूस थे या कुछ पार्टनर की तलाश थी, उन लोगों के लिए भी जनवरी का महीना बहुत बढ़िया, उनकी जो मनोकामना है वो भी पूर्ण होने वाली है। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो यहाँ पर शादीशुदा लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आपस में जो आपकी डेली की नोक झोंक है वो एक बड़े लेवल तक जा सकती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप दोनों जो है एक दूसरे से बात करें और कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें। अगर आज उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो आज आप कर लो। तो अगर आपने ये चीज़ मेंटेन कर लिया तो जनवरी का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, और अगर ये चीज़ मेंटेन नहीं किया तो आपका दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं पीड़ित रहेगा, कहीं ना कहीं आप लोग परेशान रहेंगे। आगे बात करते हैं आपके करियर की। सबसे पहले बात करेंगे व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्गों के लिए ये जो समय है जनवरी का महीना, मुझे लगता है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। कोई शत्रु लोग जो हैं या कोई आपके जो मार्केट में जो आपके जो कंपटीटर हैं, जो आपका मुकाबला कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डाउन लाने की कोशिश कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे अगर मैं देखता हूँ तो मिला जुला जो है जनवरी के महीने में आपका व्यापार रहेगा। जो लोग नौकरी पेशा जातक हैं उनके लिए भी सेम कंडीशन है कि काफ़ी लोग जो हैं आपको बड़े पद पर बैठा हुआ नहीं देखना चाह रहे हैं। वो आपको रात दिन चाहते हैं कि आप कब हम आपको गिराएं और कब हम उस जगह जाएं। तो उन लोगों को भी पहचानने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अगर आपने पहचानने में देर की तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, और अगर आपने समय से उन लोगों को पहचान लिया तो आपका जो करियर है वो एक अच्छी गति से आगे बढ़ता रहेगा। आगे बात करते हैं आपके फाइनेंस की। फाइनेंस में खास करके आपको ध्यान रखना है फिजूल खर्ची पर। आप जो है अपना जो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं
इन पर आप खर्चा कर सकते हैं। जनवरी के महीने खर्चा जरूर करें, क्योंकि हम मेहनत करते हैं इसी के लिए कि हम अपना जीवन यापन जो है सुख से कर पाएँ। तो खर्चा जरूर करें, बट ध्यान रखें बेसिस कि अधिक खर्चा ना हो, क्योंकि अगर अधिक खर्चा हुआ तो आपकी सेविंग में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। जो लोग नौकरी पेशा जातक हैं उनकी जो धन की स्थिति है बहुत अच्छी है, फाइनेंस का लाभ उनको बढ़िया हो रहा है, बट वही है कि खर्चे की स्थिति में कहीं ना कहीं उनको भी सावधान रखनी पड़ेगी, जो कि फ्यूचर में जो अपनी सेविंग होती है वो आपके काम आ सके। तो दर्शकों, हम सभी लोग नए साल की शुरुआत में कोई ना कोई अच्छा निर्णय लेते हैं कि हम ये चीज़ करने वाले हैं, ये चीज़ नहीं करने वाले हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए दो सुझाव मेरे ओर से हैं। पहला सुझाव मैं ये कहूँगा कि आपको फिजूल खर्चे से बचना होगा, जो फालतू के अनाप शनाप खर्चे होते हैं उनसे आपको बचना होगा, जिससे कि आपका जो साल है वो पूरा साल कहीं ना कहीं फाइनेंस स्थिति को मजबूत बनाएगा, आपके जीवन को अच्छा बना के रखेगा। दूसरा सुझाव मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अपने आप को झूठी शान में नहीं जीना चाहिए व्यक्ति, आप जो हैं वही शो कराओ। अगर आप जो है नहीं और आप ओवर स्मार्ट या ओवर शो करते हैं लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपकी छवि को नुकसान पहुँचाता है। तो ये सलाह मेरी ओर से कि इन चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित है कि आपका जो साल है बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होगा। दर्शकों, जनवरी का महीना साल का पहला महीना होता है, और यहाँ पर हम जीवन में सोचते हैं कि हम नए साल में कुछ अलग शुरुआत करना चाहते हैं या करेंगे। तो आपकी कुंडलिका के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, इसकी इस चीज़ का परामर्श देने के लिए आप एस्ट्रो योगी पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और मुझसे संपर्क करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना होगा। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल जनवरी मास का था। राशिफल 2019 की वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।